वेलकम टू टेक टू गुड चैनल। आज मैं आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। इस वीडियो में योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है, कहां फॉर्म सबमिट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, यह सारी जानकारी आप पा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सरकारी योजना और टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ सरकार श्री द्वारा गर्भवती या धात्री माता को दी जाती है, जिसमें योजना के तहत 5,000 रुपए की सहाय और एक और योजना है जननी सुरक्षा योजना के तहत एक और 1,000 रुपए की, यानी कुल 6,000 की सहाय गर्भवती माता के बैंक अकाउंट में जमा की जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस योजना की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि पहली, गर्भवती माता की प्रसूति संस्था की होनी चाहिए। इसका मतलब है कि या तो डिलीवरी हॉस्पिटल में होनी चाहिए या तो फिर मेडिकल स्टाफ के द्वारा हुई हो। इस योजना का लाभ गर्भवती माता पहला या किसी एक ही बच्चे के लिए ले सकती है। जुड़वा बच्चों के किस्से में भी एक ही को लाभ मिल पाएगा। दूसरी शर्त ये है, जो महिला केंद्र, राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हो तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकती, क्योंकि दोस्तों इस योजना का हेतु मजूरी या अन्य कोई काम करती माताओं की प्रसूति के समय में वो घर पे रह के रोजगारी की चिंता किए बगैर अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेगनेंसी रहने के 150 दिनों के अंदर आपके नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जहां पर आपको फॉर्म 1A भरना होगा। फ्रेंड्स, फॉर्म्स आपको आंगनवाड़ी केंद्र में मिल जाएगा या तो यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाउनलोड लिंक दे दूंगी। याद रहे दोस्तों, फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी रिसिप्ट लेना न भूले। इस फॉर्म में पति पत्नी के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर की डिटेल भरनी होगी और पत्नी यानी गर्भवती माता का बैंक अकाउंट की डिटेल भी देनी होगी। फ्रेंड्स, ये फॉर्म सबमिट करने के बाद पहली किस्त माता के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी, जो कि 1,000 रुपए की रहेगी। फॉर्म 1A या रजिस्ट्रेशन के समय अगर आधार कार्ड किसी कारण से न जमा करा पाए तो उसके विकल्प में आप कोई भी आईडी प्रूफ जमा करा सकते हैं। पहली किस्त मिल जाने के बाद आपको फॉर्म 1B भरना होगा। यह फॉर्म गर्भधारण के 6 महीने के बाद से प्रसव के पहले की जो डॉक्टरी जांच के लिए जाते हैं उस दौरान सबमिट करा सकते हैं। फॉर्म 1B में सबमिट होते ही दूसरी किस्त ₹2,000 की गर्भवती माता के अकाउंट में जमा हो जाएगी और आखिरी किस्त ₹2,000 की बच्चे के जन्म के बाद फॉर्म 1C सबमिट करने के बाद मिलेगी। फॉर्म 1C के साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और ममता कार्ड देना होगा। दोस्तों, याद रहे, ममता कार्ड में सारे टीके लगवाए हो, उसकी डिटेल्स हो, ममता कार्ड को समय समय पर अपडेट जरूर करवाते रहिए। तीसरी किस्त के समय पति पत्नी का आधार कार्ड अनिवार्य होगा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के वक्त वैकल्पिक आईडी प्रूफ जमा कराए थे। अगर किसी कारण से लाभार्थी राज्य के अंदर या बाहर स्थानांतर करता है तो नई जगह की आंगनवाड़ी केंद्र में आप आधार कार्ड, ममता कार्ड और आगे जो भी फॉर्म सबमिट किए हो उसकी रिसीट जमा करानी होगी। इससे आपका योजना के जो बाकी लाभ है वो वहां से मिल पाएंगे। दोस्तों, तीसरी किस्त के समय ही आपको 1,000 रुपए जननी सुरक्षा योजना के तहत भी मिल जाएंगे। याद रहे दोस्तों, योजना का की सारी धनराशि गर्भवती माता के बैंक अकाउंट में ही जमा होगी, परिवार के किसी सदस्य के अकाउंट में नहीं, और माता का अकाउंट कोई ज्वाइंट अकाउंट से होगा तो भी वो मान्य नहीं होगा,
यानी गर्भवती माता का सिंगल अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों एक और बात, जिन लोगों ने पुरानी MBP योजना के में रजिस्ट्रेशन करवाया हो और किस्तें आनी बाकी हो तो वह बाकी की किस्तें इस योजना से ले सकते हैं। तो इस तरह आप प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना का लाभ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस योजना के बारे में कहीं आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको आपके आसपास कोई इस योजना का लाभ ले सकता है तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।